हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे जियो फाई 3 4G पर्सनल हॉटस्पॉट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बॉक्स जो है कुछ देख लेते हो, आपको बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ग्रीन कलर पे बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लुक पे आ रहा है यहाँ पे। और इसके कंटेंट्स जो है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रूटर मिलेगा आपको जियो का, एक USB अडाप्टर मिलेगा, एक USB केबल मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी और यूज़र मैनुअल मिलेगा और एक वारंटी कार्ड मिलेगा। तो इसको जो है फटाफट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसको जो हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं और अपने कंटेंट्स जो है देख लेते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रूटर देखने को मिल जाता है। तो रूटर को जो है अनबॉक्स कर लेते हैं और रूटर जो है आपका कुछ इस तरीके से देखने को जो है मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश और प्रीमियम लुक का ये आ रहा है, बहुत ही बढ़िया फिनिश पे है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको WPS का बटन मिल जाएगा और यहाँ से आपको बैटरी और सिम सॉकेट जो है मिल जाते हैं। तो इसको हम अभी किनारे रख देते हैं और आगे देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, वारंटी कार्ड है और इसको कैसे सेटअप करें ये है। तो चलिए इसको भी किनारे रख देते हैं और आगे देख लेते हैं बॉक्स में जो क्या है। तो बॉक्स में यहाँ पे जो है आपको चार्जर मिल जाता है, अडाप्टर मिल जाता है। ये अडाप्टर आपको इससे चार्ज कर सकते हैं अपने जियो फाई रूटर को। और यहाँ पे आपको इसकी बैटरी मिल जाती है, ये आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी यहाँ पे जियो फाई के लिए। और यहाँ पे आपको इसका USB केबल मिल जाएगा। तो ये इसे वेल पैक्ड आता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इन सबको हम साइड में रख देते हैं और अपने जियो फाई को जो है चालू करते हैं यहाँ पे। तो रूटर जो है हमारा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका रूटर जो है ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप WPS बटन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप इसे अपने फ़ोन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड वासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं और सिम को जो है चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इस तरीके से ये यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी IMEI और ये सब जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे आपको इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे एक microSD का कार्ड स्लॉट मिल जाएगा और यहाँ भी आप अपना जियो का सिम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको microSD कार्ड भी दे दिया जाता है, स्लॉट जो है दे दिया जाता है। तो अपनी वायरलेस अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें से हम फटाफट अपना सिम लगा लेते हैं और बैटरी को जो है इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें सिम जो है इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सिम जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है इंसर्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सिम जो है इंसर्ट हो गया है और अपनी बैटरी को जो है आप अपनी बैटरी जो है वो उसमें प्लग इन कर दिए। याद रखिएगा कि अगर इसको फर्स्ट टाइम में यूज़ करते हैं तो 6 to 7 hours जो है इसको पहले फुल चार्ज जो है कर ले। तो इसको जो हम प्लग इन कर देते हैं और अपने इसका बैक पैनल जो है बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको जो हम यहाँ से पावर ऑन जो कर लेते हैं, आपको सबसे फर्स्ट टर्न में यहाँ पे आपको पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो इस पर हम लॉन्ग प्रेस करके देख लेते हैं और यहाँ पे आपकी लाइट्स जो है जल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लाइट जो है आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइट्स का खेल बता दूँ कि लाइट्स अगर यहाँ पे रेड है तो इसका मतलब आपकी बैटरी लो है। अगर यहाँ पे आपका सिग्नल आता है, यहाँ पे रेड सिग्नल होगा तो आपका सिग्नल जो है इस समय कम है, और ब्लू सिग्नल है तो सिग्नल मीडियम है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ अगर ये ब्लू है तो इस समय इस रूटर से जो है कोई भी कनेक्टेड नहीं होगा, ग्रीन हो जाता है तो इससे जो है कोई ना कोई जो है कनेक्टेड है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन जो है इससे कनेक्ट हो गए। तो इसको मैं कन्फिगर कर लेता हूँ और आपको अब इसकी स्पीड टेस्ट जो है करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है और मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका पासवर्ड और नेम जो है कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको वीडियो की एंड तक की देखते रहें। तो चलिए हम इसका स्पीड टेस्ट जो है एक बार करके देख लेते हैं कि कितनी स्पीड जो है आ रही है इस रूटर के थ्रू। तो यहाँ पर हम ओकला स्पीड टेस्ट को जो है खोल लेते हैं और स्पीड टेस्ट जो है करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम टेस्ट को जो है बिगिन कर देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि इसमें कितनी स्पीड जो है मिल जाती है। तो स्पीड आप देख सकते हैं कि बहुत ही सही जा रही है, 10 Mbps के अराउंड जो है स्पीड जो आपको मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हम लोग का सिम है उसमें अब तो 200 से 300 Kbps के ऊपर स्पीड जा ही नहीं रही। तो ये तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लग रहा है कि इसमें पता नहीं कैसे इतनी स्पीड जो है जा रही है। मैं अभी आपको लाइव रियल टेस्ट करके दिखा दूंगा कि आपका सिम का स्पीड टेस्ट और जियो फाई का स्पीड टेस्ट, तो वो भी आप आगे देखते रहिए इसको।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड जो है आपको 11.98 Mbps की स्पीड मिली और अपलोड में 2 Mbps की, वो अभी भी बहुत सही है, वरना तो जियो की स्पीड जो है वो तो बहुत ये देखिए ज़्यादा दोस्तों, खराब आप है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये वाला फ़ोन जो है वो मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब कि मेरे सिम से चल रहा है ये, इसमें जियो फाई का सिग्नल जो है नहीं है। और इस सिम को और इस मोबाइल को जो मेरा 3G फ़ोन है, मैंने इसको जियो फाई से जो है कनेक्ट कर दिया, तो देखते हैं किसमें स्पीड ज़्यादा आती है, सिम वाले में या जियो फाई वाले में। तो चलिए स्पीड टेस्ट जो है करके देख लेते हैं दोनों में। तो ये देखिए दोस्तों, आप जियो फाई की स्पीड देख सकते हैं कि 1200 Kbps के आसपास पहुंच रही है, और इसकी जो है सिम की जो है वो 284 या 285 Kbps के अराउंड जो है स्पीड जा रही है डाउनलोड। और अपलोड स्पीड भी आप देख सकते हैं कि जियो फाई में ज़्यादा ही जा रही है, और इससे जो है थोड़ा बराबर ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जियो फाई जो है इसमें आगे जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जियो फाई जो है आपको उसमें ज़्यादा। अगर मैं आपको स्पीड उसकी बैटरी बैकअप की बात बता दूं तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको एक बार फुल टाइम जो है यूज़ किया तो इसने 100% से 0% में 8 to 9 hours का बैकअप दिया है, वो भी हैवी ड्रॉ ऑफ यूजर्स पे। और अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो ये 16 to 24 hours तक की जो इसकी बैटरी बैकअप जो है चला जाता है, ये बहुत ही बढ़िया है। बैटरी के मामले में बैटरी जो है इसकी 2600 mAh की है। तो इसके ऊपर आपका पासवर्ड चेंज करना है, नेम चेंज करना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको एंड्रॉय इसके इसके बॉक्स में आपको एक नंबर लिखा होगा, एक 192 करके, आप उसको जो है अपने ब्राउज़र में जो है डाल सकते हैं। अगर आपको इतनी वो नहीं करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है रूटर सेटअप। तो आप अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अगर अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप अपना वो जो अपना जो पासवर्ड और यूज़र आईडी सब कुछ जो है चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये करके देखो जल्दी से जो है दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप अपने ब्राउज़र में जो है 192.168.225.1 डालते हैं तो आपका रूटर सेटअप पेज जो है खुल जाएगा। तो आप इसको इस एप्लीकेशन की मदद से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ से आप रूटर पेज पे जो है क्लिक कर दिए और आपको ये जियो की स्टैटिस्टिक्स वाले URL पेज पे जो है ले जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रूटर सेटअप पेज जो है वो खुल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड जो है आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप LTE स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ पे आप बैंड और APN वगैरह वगैरह जितनी भी आपकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड और अपलोड देख सकते हैं कि अब तक में कितना हुआ है जब से आपका रूटर जो है ऑन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स अटैच, मतलब कितने आपके यूज़र जो है कनेक्टेड है। यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ सकते हैं, बैंडविड्थ पढ़ सकते हैं, बाकी जो उसका वो यहाँ पे आपका IMEI है, और ये आपकी जो सिस्टम परफॉर्मेंस और CPU की कितनी यूजेज हो रही है ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको जो है आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जनरली एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके बॉक्स के पीछे ये लिखा होता है। तो यहाँ पे आप इसको अगर डाल देते हैं तो आपका ये यहाँ पे जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड जो है वो डाल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग आउट का सिंबल जो है आ गया है। तो यहाँ पे ऊपर आपको खूब सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको जूम करके जो है दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का, वाईफाई, डिस्क का, जिससे आप अपने मेमोरी कार्ड की वायरलेस ट्रांसफर और वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको यूज़र मैनेजमेंट का। तो यहाँ से हम जल्दी से आपको यूज़र मैनेजमेंट में चल के दिखा देते हैं और इसके बाकी के फंक्शन जो है दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप इसका पासवर्ड वासवर्ड जो है वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना है और अगर आपको उसका नाम चेंज करना है तो आपको नेटवर्क में आना है, और नेटवर्क में आने के बाद आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे जो है क्लिक कर देना है। तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस आ गया है, और यहाँ पे आपका जितने भी वो था, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम जो है ये रख दिया है। यहाँ पे आप अपना बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है सेव कर देंगे तो इस तरीके से आपका पासवर्ड जो है लग जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई विल रीस्टार्ट, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका वाईफाई जो है स्टार्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। तो अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।